बॉलीवुड में चलता है खान्स का जलवा, लेकिन एक खान ऐसे भी है जो इंडस्ट्री में चमक नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं फरदीन खान की। स्टार बनने की सारी क्वालिटी थी इस एक्टर में, गुड लुक्स, एक्टिंग टैलेंट और ऊपर से इनका प्लस पॉइंट ये था कि एक स्टार किड थे। फिरोज खान के बेटे हैं फरदीन खान और हर बॉलीवुड पेरेंट की तरह फिरोज खान ने भी किया अपने बेटे को लॉन्च 90 की दशक में फिल्म प्रेम अगन के जरिए। और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि फिल्म ने कमाल का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस किया। इतना अच्छा किया कि फरदीन को फिल्म फेयर बेस्ट डेप्यूटेंट अवार्ड भी मिला। अपनी फिल्मी करियर में कई नोटवर्दी फिल्में की है फरदीन ने, जैसे कि देव, नो एंट्री, हे बेबी और लाइफ पार्टनर। लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं दिया, या फिर ये कहो कि फरदीन ने अपने इस एक्टिंग करियर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी गलती तो फरदीन की ये थी कि वो बन गए थे एक ड्रग एडिक्ट और नशे की इस लत ने इनके करियर को और बर्बाद कर दिया। मई 2001 में फरदीन खान को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया। कोकेन खरीदते हुए पकड़े गए थे ये स्टार और इस केस के सिलसिले में फंसे रहे फरदीन कुछ समय तक। इस केस से निकलने के बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की, कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप। फिर खबरें ये आने लगी कि फरदीन हो गए हैं डिप्रेशन के शिकार और इसी चक्कर में उन्होंने फिल्मों में ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी लास्ट फिल्म थी दुल्हा मिल गया और ये फिल्म आई थी साल 2010 में। इसके बाद फरदीन ने वेट पुट ऑन कर लिया। इसके बाद तो फिल्मों में वापसी का कोई चांस भी नहीं था। सुनने में ये भी आया था कि वो एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं और वो फिल्मों में वापसी भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे लेटेस्ट न्यूज इनके बारे में ये आई थी कि लोग इन्हें बॉडी शेम कर रहे हैं इनके वेट को लेकर, और इन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया फरदीन ने हाल ही में और कहा, आई हैव बीन बैश्ड अननेसेसरीली, आई थिंक वी नीड टू गेट ओवर दीज डैम थिंग्स, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, आई एम वॉट आई एम एंड आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर, वॉट एवर इज डिजर्व एंड वॉट्स नॉट इट्स नॉट, आई जस्ट लाफ इट ऑल ऑफ, आई डोंट रीड मच अबाउट माई सेल्फ दीज डेज। इनसे ये भी पूछा गया था कि क्या वो फिल्मों में वापसी करेंगे या नहीं, तभी उन्होंने कहा, In different capacities, yes, I want to act, but collectively, I want to produce and direct things. We are planning on that, so I will make a formal announcement regarding that soon. Well, Star Kid के बारे में हम सब इतना कह सकते हैं कि टैलेंट होने के बावजूद इन्होंने अपने ही हाथों अपने करियर को खत्म कर दिया।